का महकमा चैनल, आई होप आप सब खरीदिए सेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मत बोलना, और बेल आइकन का जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आते रहिए। सबसे पहले वीडियो को अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए, शुक्रिया। हाँ जी, आप ये देख रहे होंगे मेरा फिर से आ गया यार। आज मेरे शेप भी करना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे, बस क्या करें टाइम ही नहीं मिला। तो आज का दिन मेरा बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ही एक्साइटिंग दिन है। आप यकीन नहीं करोगे आज क्या दिन है। आपको टाइटल में दिख गया होगा क्या था, लेकिन अभी तो मैं वीडियो में बताऊंगा तो पता चलेगा क्या है। टाइटल तो आपने देख लिया है। वेल, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेटा रहमत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के लाख लाख शुक्र है। सब लोग बहुत खुश हुए हैं, मेरे पापा जान, काश मेरे पापा इधर होते पाकिस्तान में तो और डबल एक्साइटेड होना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सऊदी अरब में है। लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, अबू भी वीडियो कॉल करूँगा एमओ पे, वो भी देखेंगे। तो बेबी का डेस्टिंग मैंने करना था आज, मैंने को फ़ोन किया, वो आ रहे हैं बेबी डेस्टिंग करने के लिए। सिर्फ 5 से 10 घंटे लग गए इसको डेकोरेट करने के लिए। फिर बाद में मैंने फ़ोन आया था हॉस्पिटल से, तो वो भी डिस्चार्ज हो गया ऑलमोस्ट। लाइक इसको आने घर से आने पे ऑलमोस्ट लाइक घंटा तो लगेगा, लोगों को घंटा ऑलमोस्ट इससे के करीब लगेगा। इससे पहले मैं बेबी का डेकोरेशन कर लूँ, उसके बाद फिर देखूँगा मैंने क्या क्या करना है, क्या करना है, केक काटना है केक नहीं काटना। मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ होगा कोई करना होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो आपको इस वीडियो पे पिछले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, तो एक तो मैंने बनाया था बेबी के रिपेयरिंग के लिए, बेबी शॉपिंग के लिए, फिर दूसरा है बेबी का डेकोरेशन करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के मैंने डेकोरेट किया है। तो आज आपको ये वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए यार, लाइक विल थंब अप लाइक करिए। चलिए आज का प्लॉट स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देख लिया मेरा रूम का बेबी का डेकोरेशन का टूर, ये है बेबी का डेकोरेशन का टूर, ये आप देख सकते हो किस तरह का डेकोरेशन किया है। वेल, मेरे प्यारे बेटे, जब आप बड़े होगे ना तो आप देखोगे आपके पापा ने क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, खुशी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। यार आप जब देखोगे ना ये वीडियो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ये वीडियो हमेशा वीडियो अपलोड इंटरनेट पर ही रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये किस तरह का ये बेबी का डेकोरेशन हो गया। अभी मुझे फ़ोन आया है मेरे भाई से, वो अभी वो हॉस्पिटल से निकल गए हैं, तो मुझे अभी से जल्दी से मेरे केक लेके आए ना डॉज बेकरी से, वहाँ का केक बहुत ज़बरदस्त होता है, वहाँ जाके मैं केक लूँगा, केक के साइड पर रखूँगा, वो केक काटेंगे जैसे वो एंटर होंगे। लेकिन एंटर से पहले हमने बकरा लिया चाहिए, उसको हाथ सदका देना, हमने वो सदका करके फिर बाद में केक काटेंगे, केक काटने के बाद फिर ये करेंगे था ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ डॉज बेकरी में, मैं डॉज बेकरी में वीडियो नहीं बनाऊंगा, आते वक्त मैं बना लूँगा वीडियो। तो अभी मैं घर आ गया, मैंने डॉज बेकरी से मैंने ले लिया केक, और केक मैंने रख दिया आपके केक के मेरे सेटअप में, आपको दिखाते मैंने केक किस तरह किया। ये मैंने थोड़े बलून रखे हैं, कुछ प्लेट रखे हैं, केक लेके आया कुछ बलून। तो जैसे वो आएंगे तो पहले सबको मुँह मीठा करूँगा, ज़ाहिर फर्ज है, मिठाई हो या केक हो एक ही बात है। तो मैं आएँगे तो मुँह मीठा करूँगा, सबको दूँगा, फिर इसके बाद मैं करूँगा ये चीज़, आपको मैंने पहले भी बताई ये चीज़ ये करके। फिर ये मैंने केक लेके आ चुके, सारे डेकोरेट कर लिए मैंने यहाँ कर टेबल पे हॉल पे, बाद फिर एंजॉय करेंगे। शायद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा या ना दिखाऊँ, कुछ प्राइवेट भी होता है, लेकिन देखते हैं अभी जब वो आएंगे फिर देखते हैं क्या चीज़ सीन होगा मेरा। तो फाइनली आ चुके हैं मेरे बेबी और मेरी बेगम, सब लोग आ चुके हैं। मैंने वीडियो नहीं दिखाया चूँकि सब हैं जो मेरे प्राइवेट है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक मेरे काट लिया मेरी अम्मी, मेरी बेगम, साथ मेरी बेबी और साथ मेरे खाला और मेरे बड़े भाई वीडियो बना रहे हो, सबको केक खिलाया कि केक आधा हो गया अब देख लेती हूँ। तो अभी सारे लोग अंदर रूम पे चले गए हैं, तो बाद में मेरे मैर और असलान
वो गया बकरे को हाथ लगा के उसको वहाँ पे ही सक्का दे दिया, वहाँ पे ही कर दिया। चलो अच्छी बात है, घर पे आना थोड़ा का मुश्किल होगा। तो अभी ये कमरे, ठीक है ये कमरे है, अभी इसमें आपको अंदर जाके लेके जा रहा हूँ। फाइनली हर चीज़ सोचेगा, जिस काम के लिए मैंने करना था हर चीज़ हो गया। आप लोग पूछ रहे होंगे यार सारे आप ही आते वीडियो में, कोई भी नहीं आता यार। वेल ऐसे बात पता ही क्या है यार, अभी बहुत कुछ काम है, सब बातियाँ हैं, सब लड़कियाँ लड़कियाँ। तो इस वीडियो में से मैं और मेरे कज़न ही है बस, और कौन, बाकी सब सोए हुए, सब थके हुए, क्योंकि सुबह सुबह हॉस्पिटल पे थे और सब उसकी ड्यूटी आई है, किसकी ड्यूटी लगा रही है, किसकी ड्यूटी पे डालते हो, सब थके हुए थे और सब सो गए। तो बाद में मुझे जाना था, जाहिर मेडिसिन लेना था, मैंने मेडिसिन ले लिया, पूरा मेडिसिन ले लिया था, सिर्फ एक मेडिसिन रह गया था, वो मेडिसिन मिल जा आ गया सदर तक मिले, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया मुझे। तो मैं घर आया से बाद में देखा यार नाम सोचने का टाइम आ गया कि नाम क्या रखें। तो हमने पापा को कॉल की थी, तो पहले पापा को देखा, पहले पापा बाहर चले गए थे, तो फ़ोन करने करते करते हमको कहाँ गए थे पता चला, वो कस्टमर के पास गए थे। तो आए, फ़ोन किया, तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक्साइटेड होते, काश अब मैंने कहा पापा अगर आप इधर होते और ज़्यादा डबल एक्साइटेड होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो नाम हमने सबने डिसाइड किया, अबू ने भी डिसाइड किया, तो नाम फाइनली आ चुका है। नाम मैं आपको बताऊँगा आखिर में, बताऊँगा नाम क्या रखा है। तो अभी मैं मिठाइयाँ लिस्ट बना रहा हूँ, किसी को मिठाइयाँ देना है लाहौर पे और सियालकोट पे, हमारे रिश्तेदार हमारे दोस्त उसको मिठाइयाँ देना है। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसमें मिठाइयों की लिस्ट, इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या सीन होगा मिठाइयों का। हाँ जी, आज के दिन तो मेरा तो बड़ा एक्साइटिंग गुजरा यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जिसने बड़ी बड़ी खुशियाँ दी हैं, तो ज़ाहिर है खुश तो नहीं है, मैंने इसे बड़ा खुश एक्साइटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज़ ऑफ फादर, बचपन तो हमने अपनी माँ बाप को तो बहुत बड़ा इन्जॉय किया, ये वो अब तो मेरा टाइम आ गया, अब मेरे बेटे भी करेगा ये। तो काफ़ी मज़ा आया था, सब रिश्तेदारों को फ़ोन किया, सब रिश्तेदारों को वीडियो कॉल की थी, सब देख के बहुत खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत मेरे जाने वाले दोस्त, एक नेबर थे, एक आंटी थी मेरी, वो इंडिया में रहते, मेरे इंडिया के भी दोस्त थे, देख लो इंडिया के भी दोस्त हैं मेरे, वो नेबर बहुत करीबी दोस्त हैं हमारे, ने बचपन से हम लोग उससे जाते थे आते थे, खाना पीना जब करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो अभी हमने मिठाइयों का भी पता किया, लेकिन मिठाइयों का मैं करूँगा कल टाइम, क्योंकि आज बहुत काफ़ी रात हो गई, काफ़ी हमने कचलवारी की थी, तो मौसम आज काफ़ी ज़बरदस्त था, जो कि रात का मौसम था पूरा धुन धुन आपको देख रहा होगा, ये है फॉग आना शुरू हो गया। तो मैं आके मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने बाहर के बूट पोच लगी थी, मैंने कहा फूल अड्डा फूल बना लेते, फूल हमने खाया था, बड़े मज़े के फूल था, ये फूल होते हैं कैरेबियन फूड होता है, बड़ा मज़े का होता है फूड ये। तो आप लोग कहोगे अब अपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है। वेल आज मैंने अपने बेटे का नाम रखा है रियान, मेरे बेटे का नाम रखा है रियान, इसका मतलब है हेवन ऑफ डोर, जन्नत की दरवाज़ा। अच्छा नाम है ना, कॉमेंट सेक्शन में बताइए कैसा अच्छा नाम है ये। तो आज के दिन तो ऐसे ही गुजरा है, और मिठाइयों का सीन होगा वो इंशाल्लाह मैं किसी दिन में वीडियो अपलोड करूँगा। अब मेरी वीडियो आएगी जो मेरी बेबी के लिए आएगी, दो वीडियो मेरे ख्याल से आएगी या तीन वीडियो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो अब इसमें आप देखिए इधर आया होगा, एक पेज भी आया, दो भी आया होगा, इस आपसे देखिए और क्लिक करिए और उसमें लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए मत बोलना, तो वहाँ में रखना इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार रखिए। खुदा।